चैनल आज हम बात करेंगे कि स्मूथनिंग करवाने के बाद आपका हेयर फॉल इतना ज्यादा क्यों होता है। मुझे काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें स्मूथनिंग करवाए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, 10 डेज हुए हैं, 1 मंथ हुआ है, तो हमारे बाल इतने ज्यादा टूट रहे हैं, हमारी जो आगे की ग्रोथ है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, आगे से हमारे बेबी हेयर आ रहे हैं, आगे बैंड बढ़ गया है बालों पे, जहाँ पे हम रबर बैंड डाल रहे हैं वहां पे हमारे बैंड बढ़ चुका है, बाल इतने ज्यादा हमारे खराब हो चुके हैं। जब हमने 1 मंथ ही हुआ स्मूथनिंग करवाए हो, तो मुझे एक कमेंट्स आते हैं कि आपने स्मूथनिंग करवाए हुए कितना टाइम हो चुका है। मुझे फ्रेंड स्मूथनिंग करवाए हुए 2 ईयर्स हो चुकी है, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स होने वाले हैं, बट अभी आप देख सकते हो मेरे बाल अभी भी बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कि मेरे बालों में कोई बैंड पड़ चुका है जहाँ मेरे हेयर फॉल हो रहा है, मुझे हेयर फॉल की भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने स्मूथनिंग करवाई थी मेरा भी हेयर फॉल होता था, बट मैंने कुछ टिप्स फॉलो की, कुछ हैक्स फॉलो किए, जब अच्छे से अपने बालों की केयर की, वो ही इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सी टिप्स फॉलो की, कौन सी रेमेडीज यूज की, घर पे कौन सी चीजें मैंने बनाकर अपने बालों पे लगाई, जिससे मेरे बाल बिल्कुल ठीक है अभी तक। क्यों मुझे 2 ईयर्स होने वाले स्मूथनिंग करवाए हुए, अभी मेरे बाल बिल्कुल ठीक है, मुझे स्मूथनिंग की अब बिल्कुल नीड नहीं है, मेरे बाल अभी भी बिल्कुल स्ट्रेट है। तो सारे जो भी आपके डाउट्स हो गए इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी, सोल्यूशन भी बताऊंगी कि आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है स्मूथनिंग करवाने के बाद, जाको कौन सी रेमेडीज यूज करनी चाहिए। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बैग का रिव्यू शेयर करने लगी हूँ। तो मैं ब्रांड की तरफ से मुझे रिसीव हुआ है ये वाला जूक का बैग। सो आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी कितनी जरा अच्छी है, इसकी जो स्पेशली फ्रेंड्स मुझे शेप काफी जरा अच्छी लगी, आप देख सकते हो राउंड शेप में ये वाला बैग है, गोल्डन कलर की यहाँ पे हाफ चेन्स लगी है जो इसे काफी जरा अट्रैक्टिव बना रही है। इसकी मदर डे भी आ रहा है तो गिफ्टिंग पर्पज के लिए भी आप ये वाला बैग अपनी मदर को गिफ्ट कर सकते हो, उसके लिए भी ये वाला बैग ले सकते हो। तो हाफ पे आप देख सकते हो गोल्डन चेन्स लगी है, स्लिंग इसकी काफी अच्छी है, काफी अच्छी क्वालिटी की है। तो आप देख सकते हो मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, मुझे इसका प्रिंट काफी ज्यादा अच्छा लगा, ओवरऑल लुक इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। आप देख सकते हो जूक का आपको लोगो भी मिलेगा, जिप है इस पे भी आप देख सकते हो जूक का लोगो लगा है। जो ये बैग है काफी ज्यादा स्पेशियस है, तो काफी ज्यादा लॉट ऑफ स्टफ आपका इसमें आ जाएगा, मैंने भी काफी ज्यादा स्टफ इसमें डाला है, सो आप देख सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम जूक के बारे में बात करते हैं। जूक इज 100% वीगन और इंडियन ब्रांड, हम हक से कह सकते हैं ये है हमारा इंडियन ब्रांड। अगर आप ये वाला बैग बाय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया, लिंक के थ्रू भी आप इसे बाय कर सकते हैं। ऑल्सो आप मेरा कूपन कोड यूज करें जो कि आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने तो ये गिफ्टिंग पर्पज के लिए मंगवाया, अपनी मदर को मैं गिफ्ट कर रही हूँ मदर्स डे पे, तो इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है अपने मदर को गिफ्ट करने के लिए, तो आप भी बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो फ्रेंड्स स्मूथनिंग करवाने के बाद तो हमें अपने बालों पे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, प्रोफेशनल प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ क्यों कि प्रोफेशनल प्रोडक्ट यूज करना ही जरूरी है। अगर हम स्मूथनिंग करवा लेते हैं, आप नॉर्मल शैम्पू नहीं यूज कर सकते। फ्रेंड जब मैंने स्मूथनिंग करवा ली थी तो मैं नेचुरल चीज़ें ही अपने बालों पर यूज करती थी, जैसे नहाने से पहले मैं कोई भी हेयर स्प्रे यूज करती थी। घर पर आप कोई भी हेयर स्प्रे बना सकते हैं, काफ़ी ज़रा वीडियोज मैंने आपके साथ शेयर की है हेयर ग्रोथ जिससे प्रमोट होती है, जब आप कोई इन हेयर स्प्रे अपने बालों पे यूज कर सकते हैं, स्मूथनिंग के रिलेटेड स्प्रेज आते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपके बालों में शाइनिंग अच्छी रहे, बाल स्मूथ रहे। कोई भी नहाने से पहले, एक घंटा पहले, आधे घंटे पहले कोई भी आप हेयर स्प्रे वगैरह अपने बालों पे जरूर लगाएं। उसके बाद अगर आप हेयर वॉश करेंगे तो आप अपने बालों में शाइनिंग देखें कि बाल इतने ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे। ये मैं आपको नहीं बोल रही कि आपको मार्केट वाला ही कोई हेयर स्प्रे लेना है, घर पर आप कोई भी बना सकती हैं, हेयर ग्रोथ के रिलेटेड स्प्रे बना सकते हैं, जो बालों में शाइनिंग आई उस के रिलेटेड आप स्प्रे बना सकती हैं, आप मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकती हैं। उसके अलावा सेकंड टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि वीक में एक बार ऑयलिंग आप ज़रूर करें। ये नहीं मैं आपको बोल रही कि बहुत ज़्यादा आपको ऑयलिंग करनी है, जस्ट 2 चम्मच ही आप ऑयल के लें, वीक में एक बार आप लगा लें, ज़्यादा अगर आप नहीं ऑयल लगाना चाहते, बट 1 मंथ के बाद ही स्मूथनिंग, जैसे आपने 1 मंथ हो गया आपको स्मूथनिंग करवाए हुए, उसके बाद ही आपको ऑयलिंग करना स्टार्ट करना है। 1 मंथ से पहले आपको ऑयलिंग नहीं करनी है, बालों की लेंथ पे अच्छे से लगा लें, ओवरनाइट भी रख सकती हैं, या 1-2 घंटे पहले ही भी, नहाने से 1-2 घंटे पहले भी आप ऑयलिंग कर सकती हैं। ये वाली टिप आप ज़रूर फॉलो करें, ऑयलिंग करना आपको नहीं छोड़ना है अगर आपने स्मूथनिंग करवा ली है। मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमें पार्लर वालों ने बोला है कि हमने ऑयलिंग नहीं करनी, बाल इसे ख़राब हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, प्रोफेशनल चीज़ें यूज़ करनी है और ऑयलिंग भी करनी है। उसके अलावा एलोवेरा जेल को एज ए हेयर सीरम आप यूज़ कर सकती हैं, बालों की लेंथ पर लगा सकते हैं, अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हेयर ग्रोथ होती है। तो जब मुझे बाल बहुत ज़्यादा अपने नीचे से ड्राई लगे, रफ लगे, बालों में अगर शाइनिंग ना लगे, तो मैं एलोवेरा जेल ही यूज़ कर लेती हूँ। नेचुरल वाली आप एलोवेरा जेल लें, मतलब जो नेचुरल होती है वो नहीं आपको लेनी है, जो मार्केट वाली होती है वो ले सकती हैं, प्लांट आपको नहीं लेना है।
उसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट टिप देना चाहूँगी कि ऐसे छोटे वाले रबर बैंड आप बिल्कुल ही अवॉइड करें, सक्रंचिज ही यूज़ करें। मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया कि सक्रंचिज ही आपको यूज़ करने हैं। अगर आप ये वाले रबर बैंड यूज़ कर लेंगे जहाँ पे आप रबर बैंड डालते हैं आपके बालों में वहाँ पे वेव और बैंड आ सकता है, वो बाद में फ्रेंड्स नहीं जाएगा आपका, क्योंकि जहाँ पे हम रबर बैंड डालते हैं वहाँ से हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है स्मूथनिंग करवाने के बाद, आपको सक्रंचिज ही करने हैं, जस्ट 2 रोल्स उसके करने हैं। मैं जस्ट आपको वीडियो में खा रही हूँ कि ऐसे वाले रबर बैंड आपको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने। जब आप इसे अपने बालों में से निकालेंगे आपके बाल बहुत ज़्यादा इससे टूटेंगे। आप छोटे सा क्लचर अपने बालों पे लगा सकते हैं, जैसे समर्स हैं तो समर्स में आप क्लचर लगा के रख सकते हैं, जैसे क्रंचिज से अपने बालों को सिक्योर कर सकते हैं। ये मैं आपको नहीं बोल रही कि बालों को आपको खुला ही रखना है, बाल खुले भी आप ना रखें, क्योंकि फ्रेंड्स समर्स में बालों को खुला रखना पॉसिबल नहीं होता। तो आप ऐसे वाले छोटे क्लचर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें अगर आपने स्मूथनिंग करवाई है अपने बालों को। ये नहीं बोल रही कि खुला ही रखें, छोटे क्लचर से सिक्योर करें। अगर आपकी न्यू हेयर ग्रोथ भी नहीं हो रही है, घर पे आप कोई भी नेचुरल सा हेयर सीरम बनाना चाहते हैं, आप एलोवेरा जेल में थोड़ी सी ड्रॉप्स आलमंड ऑयल की लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है। तो अच्छे से दोनों को मिक्स करके आप इसे स्टोर करके भी रख सकती हैं 1 वीक तक, 15 डेज़ तक आप इसे स्टोर भी कर सकती हैं। फिर बालों की लेंथ पर लगा सकते हैं, स्कैल्प पर लगा सकते हैं नहाने से पहले। इससे आपके बाल बिल्कुल चिपचिपे भी नहीं होंगे, हेयर ग्रोथ भी इससे काफ़ी हद तक प्रमोट होगी। तो बालों की लेंथ पे भी आप इस सीरम को लगा सकते हैं, या अपनी स्कैल्प पे लगा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं नहाने से पहले। इससे बालों में बहुत ज़्यादा अच्छी शाइनिंग आ जाती है, एलोवेरा जेल के कारण बाल इतने ज़्यादा स्मूथ और शाइनी भी हो जाते हैं। तो ये वाली टिप भी आप फॉलो कर सकती हैं नहाने से पहले, 1-2 घंटा पहले आप ये वाला सीरम भी अपने बालों की लेंथ पे लगा सकते हैं, अपने स्कैल्प पे लगा सकती हैं। फिर आप अपने बालों में शाइनिंग देखें जब आप हेयर वॉश करेंगे, बहुत ज़रा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो हेल्पफुल लगेगी, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, बाय।